हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है अपन जो है हेडलाइट इंस्टॉल करेंगे डूम वाली, जो अपनी ये रहती है जिसमें अपने ये नीचे जो है पुलिस लाइट रहती है और ऊपर जो है अपने लो बीम के लिए चार प्रोजेक्टर साइड में छोटे और हाई बीम के लिए सेंटर में जो है बड़ा प्रोजेक्टर रहता है। तो ये लाइट अपन जो है अपनी बेसिक स्प्लेंडर में इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं कैसे इसका इंस्टॉलेशन रहता है और क्या क्या इसमें जो है परेशानी आती है मॉडिफिकेशन करने में, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट फिट नहीं होती है, इसके लिए अलग से फ्रेम वगैरह कुछ ऐसे बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसका वाइजर खोलना। वाइजर खोलने के लिए यहाँ पे जो है दो नट, एक इस तरफ और एक इस तरफ 10 नंबर के, तो इसको खोलने। तो इसको मैं उतारता हूँ वाइजर को, पहले सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला कुछ है नहीं बताने वाला, तो वाइजर मैं उतारता हूँ और फिर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने वाइजर पूरा इसका खोल लिया है, इंडिकेटर भी हटा लिया है मैंने, यहाँ से जो है थिंबल जो अटैच है इसके होते हैं खोल लिए हैं। और अब जो देखते हैं ये जो अपनी प्रोजेक्टर लाइट है इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए जो ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं लोहे का, ये अपना जो स्टॉक लाइट होती है ये वाली, ये जो है मेरी स्प्लेंडर की स्टॉक लाइट है। तो इस पर जो ये लोहे का फ्रेम ऊपर लगा हुआ है, ये वाला ये फ्रेम है, ये मैंने अपनी ओरिजिनल लाइट का यूज़ नहीं करा है। मैं एक बाइक वाले पे गया था तो उसके पास एक टूटी हुई लाइट थी जिसका ये आगे का ग्लास नहीं था और लाइट भी टूटी हुई थी, तो उसका फ्रेम ठीक था तो मैं फ्रेम उससे लेकर आ गया था। थोड़ा सा रस्ट लग रहा है बस यहाँ पर काम मेरा हो गया इसमें, तो मैं ये फ्रेम लेकर आया था। और फ्रेम को जो है मैंने एमसील से यहाँ पे जो है एकदम इसको जो है, और कितना आपको यहाँ पे जो है इसको बिल्कुल ऐसे चिपका के नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी जो लाइट है वो बहुत अंदर की तरफ रहेगी वाइजर से और देखने में भी बेकार लगेगी। तो इसमें जो है अप्रोक्स अपने को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर गैप रखना है, 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 या 1.5 सेंटीमीटर गैप रखना है, या फिर आधा इंच आप बोल सकते हैं, आधा इंच या 1.5 सेंटीमीटर गैप रखना है। और ऊपर नीचे बराबर का गैप होना चाहिए इस साइड भी और अपने इस साइड भी। मैंने इसको जो है एमसील से इंस्टॉल किया, पूरा इसको फिक्स कर लिया। और यहाँ पे जो है मैंने एक पत्ती ली है लोहे की, जो अपनी हॉर्न वाली पत्ती होती है वो ली है और उसको मैंने यहाँ पे वेल्ड करवा लिया है इसके फ्रेम पे। ये जो अपना फ्रेम होता है जो यहाँ पे अपना नट कसा जाता है हेडलाइट का, मेन हेडलाइट का, उसी से इसका जो है होल मैंने मिला के और जो यहाँ पे वेल्ड करवा लिया दोनों तरफ पत्ती। और इसके जो है इसके जो है आपको बीच में 1 सेंटीमीटर गैप रख के और फिर होल करना है। ये होल जो है यहाँ पे कस जाएगा, इसमें अपन नट नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो है बहुत अंदर की तरफ हो जाएगा फिर। तो आपको इतना ये ऐसे ही सेम टू सेम होल करवाना है इससे मैच करके, और इसके 1 सेंटीमीटर पे एक होल करना है ड्रिल की मदद से और यहाँ पे जो है ये नट कस जाएगा कुछ इस तरफ ऐसे है। ये दोनों जो अपने पॉइंट हैं ये ऐसे लग जाएंगे, एक सेकेंड, कुछ इस टाइप से लग जाएंगे। अपना होल इधर आ गया, तो एक स्क्रू जो है यहाँ लग जाएगा इस तरफ और एक जो है 10 नंबर का बोल्ट यहाँ लग जाएगा इस तरफ। तो अपनी जो हेडलाइट है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कनेक्शन की, कनेक्शन कैसे रहेंगे। तो कनेक्शन के लिए क्या करना है अपने को, कनेक्शन सिंपल है, कनेक्शन जो है सिंपल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बात है कनेक्शन पे, कनेक्शन पे सिंपल है। ये जो अपना जो H4 सॉकेट है फीमेल सॉकेट, ये जो अपने बाइक के साथ आता है अपनी हेडलाइट कनेक्ट करने के लिए वो है, और जो अपना ये रेड येलो वाली वायर है ये अपनी हेडलाइट की है इसकी। तो मेल फीमेल पूरे सॉकेट हैं H4, तो ये आपस में कनेक्ट करके इस पर जो है टेप मार देना। मैंने जो है पेपर टेप मारी है क्योंकि ये जो है गर्मी के टाइम पे चिपकती नहीं है, वरना अगर जो आप इलेक्ट्रिक वाली टेप मारते तो वो थोड़ी टाइम बाद हटने लग जाती है। आप कोई सी भी टेप आप पे जो हो वो मार सकते हैं, बस ये जो है सॉकेट अलग ना हो, टाइट रहे इस वजह से, बाकी ये निकलेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और जो इसकी DRL वाली वायर है, मतलब कि जो पुलिस वाली लाइट जो इसमें जलती है ये उसकी वायर है पीली वाली, ये अपनी हेडलाइट का कनेक्शन होगी और ये अपनी पीली वायर होगी पुलिस लाइट की। तो पुलिस लाइट का कनेक्शन मैं बताता हूँ। ये पुलिस लाइट में जो है मैंने एक जो है यहाँ पे जो है हैंडल पे एक स्विच लगाया है, तो स्विच की एक वायर में जो है ये पुलिस लाइट की वायर जाएगी, ये मैंने वायर जोड़ रखी, ये स्विच की वायर है, एक वायर तो स्विच में जाएगी, और स्विच की ये जो दूसरी वायर है ये वाली, ये स्विच की दूसरी वायर है, ये आपको कहाँ लगानी है, ये आपको इसमें एक ब्लैक कलर का सॉकेट मिलेगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर की वायर है, ये वाली जिसमें ब्लैक वायर जा रही है, ये ऊपर से भी जो है ब्लैक वायर आ रही है और नीचे से भी ब्लैक है। इसमें जो है आपको ये जो रेड वायर देख रहे हैं स्विच की दूसरी तरफ की वायर है, ये इसमें लगा देनी है। तो उससे क्या है, स्विच से आपकी जो है पुलिस लाइट ऑन ऑफ होएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको डार्क कर देते हैं तो पुलिस लाइट जलती रहेगी। और ये लाइट जो है, मैं पहले बता दूँ, ये लाइट जो है फुल्ली जो है इल्लीगल लाइट है। इससे आपका चलान वगैरह होगा अच्छे तरीके से अगर पुलिस आपको रोकती है तो। अभी जो है लाइट को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ चालू को ऑन करता हूँ और जो है सबसे पहले इसका जो है DRL ऑन करता हूँ। तो DRL कुछ इस टाइप से जलेगा, और अगर इसको हम बंद करके चालू करेंगे तो कुछ इस टाइप से जलेगा। और अब इसकी जो है हेडलाइट टेस्ट कर लेते हैं। ये इसकी हाई बीम लो बीम है, और ये इसकी हाई बीम है, लो बीम और ये हाई बीम, और ये डिपर। और इसी के साथ मैं DRL ऑन करता हूँ। ये कुछ इस टाइप से लुक आता है। और ब्राइटनेस मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो ब्राइटनेस पूरी जो है लेज़र कटिंग वाली लाइट है, प्रोजेक्टर का पूरा जो है रिफ्लेक्शन पड़ता है बढ़िया तरीके से। और ये पुलिस लाइट, और ये अपनी प्रोजेक्टर। और अगर मैं पुलिस लाइट बंद कर दूँ तो अपनी ये कुछ ऐसे देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट है। और मैं लाइट बंद करके भी इसका फोकस दिखा देता हूँ, जो रूम की लाइट है उसको बंद करके। तो मैंने जो है रूम की लाइट बंद कर दी है, तो मैं हेडलाइट बंद कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने लाइट बंद कर दी, और ये मोबाइल की फ्लैश जली हुई है, फ्लैश भी मैं एक बार बंद कर लेता हूँ। तो मैंने फ्लैश बंद कर दिए, और ये पुलिस लाइट, और जो है अपनी मेन लाइट, ये अपनी मेन लाइट है। और ब्राइटनेस देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो फ्रेंड्स ये होगी इसकी लो बीम, और इसकी ये हो गई हाई बीम। हाई बीम में बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है हाई बीम लो बीम में, बस ये है लो बीम तक की पूरी फैल के पड़ती है रोड पे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी हाईवे वगैरह पर चलाने में। बल्कि जो हाई बीम है उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लगी हाई बीम इसका, थोड़ा सा ये जो आपको ग्रीन कलर की बाउंड्री ऊपर पेंट की दिख रही है, यहाँ तक इसका हाई बीम होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट जो ये हो सकती थी। पर इसका जो बीच वाला प्रोजेक्टर है वो ऐसे एक जगह फोकस मारता है, जो कि मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। तो फटाफट से बाइक को जो है पूरी पैक कर लेता हूँ, फिर आपको इसको बताता हूँ बाइक को पूरी पैक करने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने पूरी बाइक जो है पूरा वाइजर वगैरह यहाँ पे कस लिया है, दोनों नट जो है इसके साइड के कस लिए हैं। तो अभी जो है लाइट अपनी फिक्स आ गई है, और एक सेंटीमीटर पे जो है मैंने आपको जो वो होल करने के लिए और वेल्डिंग करने के लिए क्यों बोला था पत्ती को, उससे क्या मजबूती फिक्स आ जाएगी और लाइट अपनी नई लेगी। और ये जो है अगर आप वो मतलब कि पत्ती नहीं लगाते और लाइट को एकदम मतलब कि एमसील से एकदम फ्रेम से ऐसे सटा के जो है लगा देते हो, तो एक लाइट जो है आपकी जितनी बाहर आ रही है यहाँ से, जितनी बाहर आ रही है उतनी ही अंदर चले जाएगी। ये देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग बैठी है, हल्की सी बाहर है बस कॉर्नर पे से दिख रही होगी, क्योंकि वाइजर जो है थोड़ा कर्व शेप में होता है इसलिए ये बाहर है, इसलिए ऐसी लग रही है। अब इसकी जो टेस्टिंग करते हैं, मैं की ऑन करी, यहाँ से जो मैं पुलिस लाइट ऑन करता हूँ, ये देख सकते हैं पुलिस लाइट। मैं जो है फ्लैश जो है ऑन ऑफ कर लेता हूँ, और ये इसका स्टे मोड रहने वाला है। और अगर प्रोजेक्टर की बात करो तो ये अपने प्रोजेक्टर, ये लो बीम और ये हाई बीम, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राइट राइट से जय हिंद जय भारत दोस्तों।